दोस्तों साल 1976 में जब नासा द्वारा मंगल ग्रह के उत्तर हिस्से में मौजूद सिडोनियो नाम के एरिया की फोटो पब्लिश की गई, तब उसे देखकर दुनिया भर की आम जनता हैरान थी, क्योंकि लोगों को उसमें एक जायंट फेस दिखाई दे रहा था जिसकी आंख, मुंह और नाक भी थे। यही वजह थी कि कुछ लोगों ने कहा कि इसे मंगल पर जाकर एलियंस ने बनाया है। 20 सालों के बाद सन 1998 में इस चेहरे की असलियत दुनिया के सामने आई, क्योंकि जैसे ही दूसरे एंगल से इसकी फोटो क्लिक की गई, तब पता चला कि ये कोई फेस नहीं बल्कि लाइट और शेडो का खेल था। हालांकि साल 2015 में मंगल ग्रह पर घूम रहे नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने एक और तस्वीर क्लिक करके मंगल पर किसी एलियन के होने की चर्चा को लोगों के बीच दोबारा से फैला दिया, क्योंकि इस तस्वीर में मंगल पर एक चम्मच को तैरते हुए देखा जा सकता था। इस तस्वीर के वायरल होने के लगभग एक साल बाद क्यूरियोसिटी रोवर को फिर से मंगल की सरफेस पर एक और जॉइंट शेप देखने को मिली, जिसे देखने के बाद लोग पूरी तरह से हैरान हो गए। इस बड़ी सी शेप को लेकर जब तक हमारे वैज्ञानिक अपनी कोई थ्योरी देते, तब तक जियोलॉजिस्ट ने इस पर खुलासा कर दिया और बताया कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक पत्थर है। लेकिन क्यूरियोसिटी रोवर यहाँ भी नहीं रुका और उसने 2022 में एक बार फिर से मंगल पर एक ऐसी अजीब तस्वीर क्लिक की जिसने सभी के होश उड़ा दिए। दरअसल ये तस्वीर मंगल पर मौजूद एक कर्व शेप में कट की गई गुफा जैसी थी, जिसको देखकर लोग ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि शायद मंगल पर रहने वाले एलियन इसी गुफा के अंदर छिपे हुए हैं। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि एक तो इस गुफा की हाइट बहुत ही छोटी थी और ऊपर से दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि ये दरवाजा भी मार्स प्लैनेट की चट्टानों पर मौजूद कोई दरार होगी। इससे पहले कि आपको मंगल पर मौजूद कोई और अजीब चीज दिखाई जाए, आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि हम इंसान मंगल पर दिखने वाले इस तरह के सरप्राइज चीजों को हमारी धरती के हर जगह देख लेते हैं। अगर आप इस दुनिया में कहीं भी नजर घुमाओगे तो आपको ऐसी बहुत सी चीजें देखने को मिल जाएंगी जिनमें आप एक फेस या फिर काफी सारे डिजाइन देख सकते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मंगल पर देखी हर चीज गलत ही हो, क्योंकि कुछ फोटोज ऐसी भी हैं जो रियल थ्योरीज को जन्म देती हैं। ऐसी ही एक थ्योरी 2001 में साइंस फिक्शन राइटर आर्थर क्लार्क द्वारा दी गई थी, जिनका कहना था कि उन्होंने मंगल की न्यू फोटोज में सचमुच के पैरों से भरे एक पूरे के पूरे एलियन जंगल को देखा है और ये मंगल पर अब तक देखे जाने वाली किसी भी चीज से काफी अलग है, क्योंकि जंगल के पैर कॉन्स्टेंट मोशन में है, जो कि साल दर साल घने होकर पतले होते जा रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं ये मतलब होता है कि शायद कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पैरों को खा रहे हैं। दुनिया के ज्यादातर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मंगल पर मिले जिन पैरों को लोग मार्शन फॉरेस्ट का हिस्सा मान रहे हैं, वो असल में जंगल है ही नहीं बल्कि वो तो एक क्लस्टर है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। और अगर इस क्लस्टर में हो रहे मूवमेंट की बात करें तो ये ड्राई आइस के पिघल कर जमने से होता है, और हर बार जब ऐसा होता है तब ये मंगल पर मौजूद दरार को दोबारा से भर देता है। जब मंगल को स्टडी करने की बात आती है तो मंगल ग्रह की स्टडी का काम 19th century से शुरू हो गया था, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय के एस्ट्रोनॉमर्स ने मंगल पर नदियां और आर्टिफिशियल चैनल्स होने की बात तक कही थी। लेकिन बाद में मॉडर्न साइंस ने इस थ्योरी को गलत बता दिया, क्योंकि उनके मुताबिक एस्ट्रोनॉमर जिसे वाटर रिजर्वोयर मान रहे थे, उसका निर्माण या तो स्ट्रॉन्ग भूकंप से हुआ था या फिर वो उस समय के टेलीस्कोप की गलती का नतीजा था। हालांकि इस थ्योरी के गलत प्रूव हो जाने के बाद साल 2017 में मंगल के ऑर्बिटर ने मंगल पर टैडपोल जैसे दिखने वाली ये तस्वीर क्लिक की थी, जिसे देखने के बाद 19th century के एस्ट्रोनॉमर्स की बात सही साबित हो गई, क्योंकि इस मार्शन टैडपोल में से साफ तौर पर एक रिवर को निकलते देखा जा सकता था। इसके बारे में जानकारों का ऐसा मानना है कि ये नदी क्रेटर में टक्कर के बाद बनी थी। मंगल पर नदी और पानी होने की बात जैसे ही साबित हुई, तब एस्ट्रोनॉमर्स ने मंगल पर ऐसी और भी नदियां खोज निकाली जिन्हें अभी तक वो नजरअंदाज करते आ रहे थे। मार्शन टैडपोल अकेला ही मंगल पर पानी होने की बात को साबित नहीं करता, क्योंकि साल 2004 में नासा के रोवर द्वारा खोजी गई पूल बॉल्स ने भी मंगल पर पानी के सबूत दिए थे। शुरुआत में तो इन पूल बॉल्स को मशरूम की कोई स्पीसीज माना गया था, लेकिन बाद में साइंटिस्ट को पता लगा कि वो पूल बॉल्स हेमेटाइट क्रिस्टल्स हैं, जिन्हें ऐसे शेप्स फ्लोइंग वाटर से ही मिल सकता है। ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर मंगल पर बैक्टीरिया स्पोर्स होंगे तो वो इन्हीं ब्लू पूल बॉल्स के आसपास होंगे, जिन्हें खोजा जाना अभी बाकी है। जब मंगल पर इतनी सारी डिस्कवरीज की बात हो रही है तो 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा की गई इस डिस्कवरी को कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है, क्योंकि इसमें तो सीधे तौर पर मेटल का बना एक एंशंट मार्शन टूल देखा जा सकता है। वो बात अलग है कि बाद में जब इस टूल की स्टडी की गई, तब पता चला कि ये टूल कुछ और नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी रोवर का ही एक हिस्सा था जो उससे अलग होकर मार्शन लैंड पर गिर गया था। मंगल पर पहले से मौजूद रोवर्स हमें सरप्राइज करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहीं हाल ही में कुछ समय पहले मंगल पर पहुंचे परसिवियरेंस रोवर ने भी हमें सरप्राइज करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उसने मंगल पर एक नई चीज खोजी है जो रोवर्स का तो कोई पार्ट नहीं लग रहा है, लेकिन ये किसी मेटल जैसा जरूर दिखता है। इस चीज की अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई।
पाई। आज की ये वीडियो यही तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलते हैं किसी ऐसी अगली वीडियो में।